गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बच मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हाँ जी बच्चों, तो हम कर रहे थे पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स में हमने क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये बात देखी थी। ठीक है जी, अब एक काम करो, पहले एक क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो जी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। जल्दी से कर दो जरा फैक्टराइज, देखें जरा क्या करते हो, फटाफट क्विकली। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। हाँ जी, पहला जीरो हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, हिट एंड ट्रायल से। हाँ जी, फर्स्ट जीरो यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। वी स्टार्ट विद वन, व्हेन आई पुट एक्स एज वन, मुझे दिख रहा है सामने से कि वन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है जी, अगर आप एक्स को वन डालेंगे तो पी ऑफ वन क्या बना? पी ऑफ वन विल बी वन माइनस 14 प्लस 24। आंसर इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वन तो इसका जीरो नहीं है। नाउ लेट अस चेक फॉर टू। टू क्यूब 8, टू स्क्वायर 4 माइनस 28 प्लस 24। हाँ जी, इज इट बिकमिंग जीरो? जल्दी से बोलो बच्चों, हाँ या ना, इज इट बिकमिंग जीरो और नॉट? 24 प्लस 8 पॉजिटिव 32 माइनस 32, सो आंसर इज बिकमिंग जीरो। सो आई कैन से टू इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। इट मीन्स एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ टू इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो एक्स माइनस टू, और आई से एक्स इज इक्वल टू टू इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब अगर एक्स माइनस टू पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेगा, और आई से पी ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू, और पी ऑफ एक्स इज द मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस टू, जैसे मर्जी हम इसको बोल सकते हैं। अगला स्टेप क्या है? पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है। करिए जरा जल्दी से करो और क्वेश्चन बताओ क्या निकालो, फटाफट क्विकली। डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस टू। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से, जल्दी जल्दी करो और क्वेश्चन निकालो क्या आ रहा है, फटाफट क्विकली।
डन। चलिए जी, बाकी भी जल्दी जल्दी करो और बताओ मुझे क्या आ रहा है। एक्स, हाँ जी, क्या बन रहा है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 या माइनस 12? माइनस 12। एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करूं, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स क्यूब, दिस इज माइनस 2x2 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ये प्लस का 2x2 माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर बच गया। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सब्ट्रैक्शन करनी है माइनस 12x प्लस 24, एक्स पड़ा है माइनस 12x बनाना है तो माइनस 12 से मल्टीप्लाई, माइनस 12x प्लस 24, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल जीरो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर इस क्वाड्रेटिक को फर्दर फैक्टराइज कर दूं तो मुझे क्यूबिक के तीनों फैक्टर्स मिल जाएंगे। करो जरा जल्दी से, लास्ट लास्ट में हमने किया था क्या? और क्लास में तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो स्कूल में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के फैक्टर्स। चलिए शाबाश, जल्दी से कर दो। आई नीड टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज माइनस 12 एंड सम रिक्वायर्ड इज 1। प्रोडक्ट नेगेटिव, सम पॉजिटिव। जब मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो दो पार्ट जो मुझे मिलने चाहिए, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है। सम पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा रखूं या नेगेटिव वाला नंबर बड़ा रखूं? इसको पॉजिटिव बड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को ऐड करके। अगर पॉजिटिव आंसर चाहिए तो पॉजिटिव शुड बी बिगर एंड नेगेटिव शुड बी स्मॉलर वन। तो मैं 4 और -3 अगर ले लूं तो 4 into -3 इज -12, 4 + -3 इज +1। सो इस एक्स को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, +4x -3x -12। पहले दो टर्म्स में से एक्स कॉमन तो एक्स प्लस 4, -3 कॉमन तो एक्स प्लस 4, x-3 x+4। और एक फैक्टर हम पहले निकाल चुके हैं, क्या था वो फैक्टर? x-2। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके तीन फैक्टर्स x-2 x-3 एंड x+4। सो वेन एवर यू हैव टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट 0 हिट एंड ट्रायल से निकालना रहता है। जब एक 0 मिल जाए तो करस्पॉन्डिंग फैक्टर मिल जाता है। हम शुरू से एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कुछ किया। पहला स्टेप, हमने हिट एंड ट्रायल से रूट निकाली, 0 निकाला, 1 डाला तो 0 नहीं बन रहा था, मुझे -1 डालना चाहिए था अगला नंबर, बट मैंने
सीधा टू डाल लिया, टू डाला तो जीरो बन गया, तो एक्स इज इक्वल टू टू, इसकी जीरो है, मतलब एक्स माइनस टू पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर जीरो बनेगा। डिविडेंड क्यूबिक है, डिवाइजर लीनियर है, तो कोशेंट क्वाड्रेटिक आएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से मेरे पास ये सिचुएशन। इसको फिर से हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा करके फैक्टराइज किया और दो फैक्टर बना दिए, एक्स माइनस तीन एक्स प्लस चार। तो क्यूबिक इक्वेशन के तीन लीनियर फैक्टर्स, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। एंड इफ आई टॉक अबाउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगी, दो तीन एंड माइनस फोर, क्योंकि फैक्टर से जीरो पर जाने के लिए फैक्टर को जीरो से इक्वेट करते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू आ जाए वो हो जाती है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट है दैट इज आइडेंटिटीज। बहुत सारी आइडेंटिटीज आपने पहले भी पढ़ी हैं, एट्थ क्लास में भी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये चार आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी नाइन्थ क्लास में, सॉरी एट्थ क्लास में। और अब आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, या इसको ओपन करके लिख दूं, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए। दोनों तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो फैक्टराइजेशन में बहुत काम आती हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड वन मोर आइडेंटिटी दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और इसके साथ साथ हम एक बात और कहते हैं, जो कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होता है रिजल्ट। क्या कहते हैं हम, इफ कंडीशनल बात कर दी, अब हमने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई हमने, हमने कहा इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, तो ध्यान से देखना ये फैक्टर जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग विल गिव मी जीरो। अगर ये साइड जीरो हो गई तो क्या मैं कह सकती हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी थ्री ए बी सी। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब विल बिकम इक्वल टू 3 ABC। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है। ठीक है जी, जब हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो एक तो हमने देखा क्वाड्रेटिक को कैसे हमने फैक्टराइज किया, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज किया। फैक्टराइजेशन के लिए आइडेंटिटीज का भी यूज हो सकता है और बहुत और तरीके भी हैं जहां से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आइडेंटिटीज के बेस पर आपको दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वन इज एक्सपैंड गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी और दूसरा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। दो तरह के काम हमें करने रहते हैं इसमें। और जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इस पर बहुत क्वेश्चन आने का चांस। कैसे, चेंज क्या कर देंगे, यहाँ पर दो प्लस साइन की बजाय किसी भी एक को या दोनों को नेगेटिव कर देंगे तो उसमें गलती होने का चांस बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि आप आंसर क्या निकाल रहे हो। लेट अस सी, आप सही कर रहे हो कि गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो वो हमने देखना है। लो जी, आपने एक्सपेंशन करनी है x-2y -3z2 करना। जरा एक्सपेंड जल्दी से, देखें क्या करते हैं। जल्दी जल्दी सारे करेंगे फटाफट। x-2y -3z2। आइडेंटिटी टू बी यूज्ड इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर अब नेगेटिव्स आ गए हैं तो सबसे पहला काम, राइट इट एज x+-2+-3z का स्क्वायर। इफ यू विल राइट इट लाइक दिस तो गलती नहीं करोगे। मुझे जो आइडेंटिटी मालूम है वो मालूम है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। अब यहां पर प्लस की बजाय माइनस आ गया है तो मैं उस गलती को ना करूं, इसके लिए क्या कर दिया मैंने, मैंने इसको बीच में प्लस साइन डाल करके -2y, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो एक्चुअली -2y ही बन रहा है। यहां पर भी हमने यही किया, ये एक्चुअली -3z ही बन रहा है। लेकिन अब ए की जगह मेरे पास एक्स आ गया है, बी की जगह -2y और सी की जगह -3z। अब अपने फॉर्मूले में डालते जाओ। फॉर्मूला क्या था, आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। ए बी सी की वैल्यूज तुम्हें मिल चुकी हैं, ए है एक्स, बी है -2y और सी है -3z। जल्दी जल्दी डालो और बताओ मुझे आंसर क्या बनाया। हाँ जी, कौन बता रहा है मुझे, माइक पर आ जाओ बेटा, वहां से बोलते हो तो सुनता कुछ नहीं है मुझे। कम नहीं है द माइक, 9th B में से कौन आ रहा है। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश। आंसर इज x² -4y² -9z² -4xy+12yz-6zx। बेटा सेकेंड और थर्ड टर्म को जरा दोबारा चेक करना एक बार।
यू सेड एक्स स्क्वायर माइनस 4 y स्क्वायर माइनस 9 z स्क्वायर, ये नेगेटिव कहाँ से आया बच्चे ये बता दे मुझे। पॉजिटिव इसीलिए मैंने कहा अगर ऐसे लिख लोगे तो गलती कभी भी नहीं होगी, वरना कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ध्यान से समझना बच्चे इस बात को, मैंने इसको कर दिया प्लस माइनस, नाउ आई कैन श्योरली से ए एक्स है, बी -2 y है और सी -3 z है। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -2 y का स्क्वायर और सी का स्क्वायर मतलब -3 z स्क्वायर। तो बच्चे जब -2 y का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, +4 y स्क्वायर एंड नॉट -4 y स्क्वायर, ओके मैम, एंड दिस विल बी 9 z स्क्वायर, पॉजिटिव का ना कि नेगेटिव का। ठीक है बच्चे समझ में आ गया, चलिए यस ठीक है जाइए सीट पर। 2 टाइम्स ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए, एक्स स्क्वायर +4 y स्क्वायर +9 z स्क्वायर 2 टाइम्स, ये हो जाएगा -2 x y, दिस विल बिकम +6 z y एंड दिस विल बी -3 x z। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर +4 y स्क्वायर +9 z स्क्वायर -4 x y +12 z y एंड -6 x z। सो देर इज नो चांस ऑफ मिस्टेक इफ यू राइट इट लाइक दैट। एक और दे रही हूँ जरा जल्दी से सही आंसर बताना मुझे, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। राइट डाउन, नेक्स्ट है आपके पास -2 x + 5 y, -2 x + 5 y -3 z होल स्क्वायर। अब पहले ए बी और सी अपना आइडेंटिफाई कर लो, राइट इट एज -2 x + 5 y +3 z। ए हो गया -2 x, बी हो गया 5 y और सी हो गया है -3 z। नाउ यूज योर आइडेंटिटी एंड गेट योर आंसर। हाँ जी निकाल लिया। 9th A, हु इज कमिंग नियर द माइक एंड टेल मी द आंसर। 9th A में से जिसका होगा फटाफट आ जाओ माइक के पास जल्दी से। एनीवन हु हैज डन द एक्सपेंशन, किसने किया अभी तक 9th A में से, कर तो लिया होगा। मिडिल रो लास्ट बेंच, 9th A मिडिल रो लास्ट बेंच। आ जाओ बच्चे दोनों में से कोई आगे आ जाओ फटाफट आ जाओ जल्दी से, मिडिल रो लास्ट बेंच। हाँ मैडम भेज दीजिए इसको। आ जाओ बच्चे आ जाओ फटाफट, रुक जा आ जाओ भाई आगे आ जा। हाँ वो बता रहा है आंसर हमें, बोल बेटा क्या आंसर निकाला। माइक ऑन है आपका, आवाज नहीं आ रही है मुझे, तो माइक ऑन।
थोड़ी जोर से बोलो बेटा। हाँ बोल। गलत है। हाँ जी, नाइन्थ बी, मिड सेकेंड रो, रेड टी शर्ट गर्ल। बिल्कुल ठीक है जी। जाओ जी सीट पे और जरा देखना जरा कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। ए की वैल्यू -2x, आइडेंटिटी सेज ए का स्क्वायर। ये नेगेटिव जो है ना ये बहुत तंग करता है, बहुत बार मैंने ये बात बोल दी, तो जरा ध्यान से नेगेटिव्स के साथ डील किया करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, दैट इज -2x इंटू 5y प्लस 5y इंटू -3z प्लस -2x इंटू -3z। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2, ये टर्म बनेगी नेगेटिव की, अगली भी नेगेटिव 15yz, लेकिन अगली हो जाएगी पॉजिटिव। अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आ गया -20, ये -30 और ये +12। ठीक है जी, तो जब भी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन इन बिटवीन आ जाते हैं, तो बच्चों ये एक बात जो बोली है, अगर ये कर लेंगे तो कंपेरेटिवली चांस कम हो जाएगा गलती होने का। मैं नहीं कह रही नहीं करोगे, बट लेस चांसेस ऑफ कमिटिंग अ मिस्टेक। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है क्या कह रही हूं मैं? चलिए फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन है जिसको आपने अब फैक्टराइज करना है, और अब जो फैक्टराइजेशन हो रही है वो है यूजिंग आइडेंटिटीज। देखते हैं जरा कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे और कैसे इसको आप फैक्टराइज करने वाले हैं। 216x³ -125y³। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द आइडेंटिटी जो इसके साथ मैच हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी मैं लगा सकती हूँ? यहाँ पर क्यूब की टर्म्स आ रही हैं, इन बिटवीन नेगेटिव है, तो मुझे एक बात समझ में आती है, मुझे a³ -b³ की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, और a³ -b³ की आइडेंटिटी मुझे यूज करनी है तो पहले आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। a³ -b³ होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर मैं अपना ए और बी आइडेंटिफाई कर लूं तो डालती जाऊंगी आंसर निकल जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। हाँ जी, अब कौन मुझे बताएगा कि ए क्या है और बी क्या है? हाँ हाँ जी बोलो, 9b। हाँ अच्छा, ए इज 216x एंड बी इज 125y, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद इट? नो दो सौ 16x, ये ए है, ये कहना चाह रहे हो आप? बच्चों ये जो पहली वाली टर्म है ये ए का क्यूब है, अगर ये ए का क्यूब है तो ये 216 का 216 थोड़ा ना रह जाएगा। यू हैव टू थिंक अबाउट 216 किसका क्यूब है, बोलिए जी। 216 किस नंबर का क्यूब होता है? सिक्स का।
ध्यान से पहले समझ लो, अगर मेरे पास है 216x³, आई विल राइट इट एज 6x³। अगर आप इसको 216x³ ये जैसे है और आप कहें ये ही ए हो जाए तो कैसे होगा ये ए? दिस टर्म इज ए का क्यूब एंड ए इज 6x। जब इसका क्यूब करोगे तो 216x³ आएगा। ऐसे ही इस टर्म को मैंने लिख दिया 6x का क्यूब। अब ये बताइए जी 125y³। दिस विल बी 5y का क्यूब। 125 इज क्यूब ऑफ 5, सो आई विल राइट 125y³ एज 5y का क्यूब। ठीक है जी। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा ए तो है 6x और बी है 5y। अब डाल के फैक्टर बना दो फटाफट से। हाँ जी दिस विल बी ए माइनस बी दैट इज 6x-5y, ए स्क्वायर दैट इज 36x², बी स्क्वायर इज 25y² एंड ए इनटू बी इज 30xy। तो 6x-5y ए माइनस बी, ए स्क्वायर 6x का स्क्वायर, बी स्क्वायर 5y का स्क्वायर, 2 × a × b, 6 × 5 = 30xy आपके पास आ गया। ये तो ये हो गए दो फैक्टर्स आपके। इज इट ओके? चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपके पास, सोच समझ के करना जरा। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करूं, कैसे करूं, ये अब आपने सोच के मुझे बताना है। x³, 8y³, 27z³, -18xyz। चलिए जी जल्दी से सोचिए किस आइडेंटिटी के साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं प्रोबेबली। a³ + b³ + c³ - 3abc। अब जरा ए बी सी सोच समझ के, जल्दी कोई नहीं है, ध्यान से सोचो। ए क्या है वो बताओ, बी क्या है वो बताओ, और सी क्या है वो बताओ। क्योंकि जब मुझे फैक्टराइज करना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी a³ + b³ + c³ - 3abc, तो मेरे पास फॉर्मूला है a+b+c, a²+b²+c² - ab - bc - ca। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई ए बी एंड सी।
हाँ जी, ए क्या, बी क्या और सी क्या, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्यूबिंग कर रहे हैं तो जो ये कफिशियंट पड़े होते हैं, ये तो वाई क्यूब जेड क्यूब तो समझ में आ जाता है। जो कफिशियंट है वो देखो किस किस का क्यूब बन रहा है। 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। सो आई राइट इट एज एक्स क्यूब प्लस 2 वाई क्यूब प्लस 3 जेड क्यूब माइनस, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो 3 इंटू ए की जगह एक्स, बी की जगह 2 वाई और सी की जगह 3 जेड। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 6, 3 18 एक्स वाई जेड बन रहा है मेरे पास। तो अब आइडेंटिटी में वैल्यूज डाल देते हैं बस, और कुछ करना नहीं है मुझे। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के बाद जहां जहां ए बी सी था उसकी जगह डालते गए और कैलकुलेशन कर ली हमने। ए को लिया हमने एक्स, बी को लिया है 2 वाई, सी को लिया है 3 जेड। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर हमारे को चाहिए था माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। हाँ जी, चलें आगे। समझ में आ गया सबको ये? हाँ जी बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड? और थोड़ा जोर से बोला करो, समझ में आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर माइनस 20 XY माइनस 30 YZ प्लस 12 ZX। अब थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो कौन सी आइडेंटिटी के साथ जाएगा ये, वो देखना है। और फिर उसके बाद उस आइडेंटिटी में जो भी हमारे आ रहा है, ए बी सी आ रहा है या ए बी आ रहा है, क्या आ रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट विच आइडेंटिटी इज बीइंग यूज्ड। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब एक बात हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म के साथ प्लस की बजाय क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इनमें से ए बी या सी में से किसी एक में ही ये प्लस में से एक नेगेटिव होगा या दोनों नेगेटिव होंगे, अब ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। और कौन नेगेटिव होगा ये भी देखना पड़ेगा। बी नेगेटिव होगा पक्का? देखो जी, 2 ए बी की टर्म आपके पास यहां पर नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है ए या बी में से किसी एक को नेगेटिव करना पड़ेगा। अब अगर मैं बी सी वाली टर्म देखती हूँ, बी सी का मतलब यहां पर वाई जेड वाली टर्म, ठीक है जी, तो बी सी में से कोई एक नेगेटिव,
पहली टर्म को देख के मुझे समझ में आता है ए या बी में से कुछ एक नेगेटिव, दूसरी को देख के समझ में आ रहा है बी या सी में से कुछ नेगेटिव, लेकिन सी और ए दोनों कैसे चाहिए? इनमें से कोई एक नेगेटिव है, ये दोनों अगर पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिव कौन बचा? इसका मतलब यहां पर नेगेटिव साइन एट दिस प्लेस, आई विल हैव टू हैव नेगेटिव साइन, बाकी दूसरे वाला पॉजिटिव ही रहेगा, एक चीज। दूसरी बात जो हमने यहां पर ऑब्जर्व करी है दैट इज 4x का स्क्वायर, इसका कंपैरिजन ए स्क्वायर के साथ हो रहा है तो ए क्या हो जाएगा? 2a। तो मुझे यहां से एक बात समझ में आती है कि ए की वैल्यू क्या है, ए इज 2a, ए इज 2x, और बी क्या होगा? बाय 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 फाइव। और सी क्या होगा? 3z। ये 2x का स्क्वायर है, ये 5y का स्क्वायर है, ये 3z का स्क्वायर है, तो मैंने यहां से आइडेंटिफाई कर लिया कि ए 2x होना चाहिए, बी 5y होना चाहिए, सी 3z होना चाहिए, और यहां से नेगेटिव पॉजिटिव मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ और मुझे पता चल चुका है कि बी वाले के साथ नेगेटिव साइन जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 2a-5y +3z होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? और करने के बाद डबल श्योर होने के लिए आप इसको वापस ओपन करके भी देख सकते हैं क्या यही आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 2a का स्क्वायर -5y का स्क्वायर 3z का स्क्वायर 2ab, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, सो दिस इज 2a-5y +3z होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया क्या किया हमने? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड विच वन हैज टू बी नेगेटिव एंड विच वन हैज टू बी पॉजिटिव। उसके लिए आप ये तीनों पेयर्स से आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली टर्म अगर नेगेटिव हुई है मतलब ए या बी में से कुछ नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर दूसरी भी नेगेटिव हो गई तो बी और सी में से नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव मतलब सी और ए तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो बी आपका नेगेटिव। ऐसे ही जो भी कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव होने वाला। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 2x। ध्यान से देखना जरा, 2x-4y होल क्यूब +4y-3z होल क्यूब 3z-2x होल क्यूब, यू हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। करने से पहले मुझे बताना है कि आप किस तरीके से इसको कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो बताओ? क्या आप यहाँ पर आइडेंटिटीज लगा रहे हैं, a माइनस b होल क्यूब खोलेंगे, क्या करेंगे?
And what should I do? Should I open a minus b whole cube at all three in all three brackets and then see what I'm getting? Or should I do something else? बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आइडेंटिटी अब हम यूज करने वाले हैं वो कौन सी है भला? दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बिकम्स इक्वल टू 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इसके साथ इसका कंपैरिजन करूं तो ए की जगह है 2x-4y, बी की जगह है 4y-3z और सी की जगह है 3z-2x। ठीक है जी, अब जरा देखो क्या ए प्लस बी प्लस सी जीरो बन रहा है? आई हैव टू चेक वेदर ए प्लस बी प्लस सी इज बिकमिंग जीरो और नॉट। ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। एड ऑल थ्री एंड सी, आर यू गेटिंग जीरो एज द आंसर और नॉट? इसका मतलब ये वाली चीज मेरे पास वैलिड हो गई। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है? 3ab। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को बिना हम कुछ और किए सीधे सीधे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स a दैट इज 2x-4y, b दैट इज 4y-3z एंड c दैट इज 3z-2x। सो दीज आर दी फैक्टर्स। दोबारा देखो क्या किया हमने, हमने यहां पर यूज की कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल मतलब हमने कंडीशन लगा दी, एक सिचुएशन दे दी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाता है। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ पड़ा था पूरे को ए ले लिया, इस पूरे को बी ले लिया, इस पूरे को सी ले लिया। अगर ये हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी हमने देखा जीरो बन गया। अगर जीरो बन गया है तो ये एक्सप्रेशन किसकी इक्वल है? 3ab। ओके हाँ जी बच्चों, ठीक है ये? हाँ चलें अगले क्वेश्चन पर। बोलते कुछ नहीं है, बस यही तो दिक्कत है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। लो जी करो जरा फैक्टराइज, देखूं क्या करते हो, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे और कैसे फैक्टराइज करोगे ये बताना है तुमने। लो जी लिखो, ध्यान से सोच के करना। 125x³ -27y³ -225 x²y +135 xy²। सोच समझ के आइडेंटिटी देखो पहले किसके साथ कंपैरिजन और फिर उसके बाद वैल्यूज वेरिएबल्स की। यहाँ पर क्यूब्स हो रहे हैं, अगर सिंपल ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। साथ में और टर्म्स आ रही हैं अगर मेरे पास, तो कौन सी आइडेंटिटी अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूं? ए माइनस बी होल क्यूब। सो द आइडेंटिटी टू बी यूज हियर इज ए माइनस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब जो होता है वो होता है आपका
क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे जो आइडेंटिटी यूज करनी है दैट इज ए माइनस बी होल क्यूब. ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB इंटू ए माइनस बी. मेरे पास आंसर ये ब्रैकेट को ओपन करके दिया हुआ, तो एक बार ओपन ही कर लेते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन कुछ रहे ना. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 A² B एंड प्लस 3 AB² तो अब देखो जरा ए क्या बनाओगे और बी क्या बनाओगे. बिल्कुल ठीक है जी, कंपैरिजन हो रहा है ए क्यूब को कंपेयर किया 125x³ से, तो 125 इज 5 का क्यूब, सो आई राइट इट एज 5x इज माय ए एंड 3y इज माय तो कैन आई राइट फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 5x माइनस 3y होल क्यूब. डायरेक्ट आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a की जगह 5x, b की जगह -3y यहाँ पे डाल देते हैं. यहाँ पे डालकर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं. a को डालना है 5x, 5x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब माइनस 3 × 5x² × 3y. ऐसे ही इसकी जगह जब वैल्यू डालें तो ये वाला आंसर नेगेटिव में 5 5 = 25, 25 75, 75 × 3 225. सो आई कैन सी दिस होल एक्सप्रेशन इज नथिंग बट 5x - 3y होल क्यूब. नेक्स्ट करिए. 8a³ प्लस 27b³ प्लस 36a²b प्लस 54ab² दिस इज ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव जा रही हैं, क्यूब नजर आ रहे हैं पहली दो टर्म्स में, तो इसको रिलेट करना पड़ेगा मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ, ए प्लस बी होल क्यूब के साथ. ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab² नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी ए एंड व्हाट विल बी बी. ए इज 2a, बी इज 3b. ए नहीं कहते इसको, हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, ए और बी है, तो लेट मी टेक इट एज ए एक्स एंड वाई, वरना तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि हम बात क्या कर रहे हैं. ये एक्स ले लेते हैं और इसको वाई ले लेते हैं, और एक्स प्लस वाई होल क्यूब की तरह से हम ट्रीट कर लेंगे इसको. पहली दो टर्म्स से ही आपको सब पता चल जाता है, एक बार आइडेंटिटी मिल गई तो फिर सीधे से ही हम आंसर लिख देंगे इसको. क्या लिखेंगे भला हम इसको, वी विल राइट दिस एज 2a + 3b स्क्वायर, नहीं बेटा क्यूब. ठीक है जी. अब आपके पास ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें जरा क्या आपको याद है कि क्वेश्चन कैसे करना है हमने.
लो जी, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ दैट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रूफ दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, इसको प्रूव करना है मैंने, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। हाँ जी, मुझे प्रूफ करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। बताइए जी क्या कर सकते हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है, एनीबडी हु कैन टेल मी? किसी को मालूम है, याद है कैसे करना है मैंने इसे? सबसे पहले ये आइडेंटिटी लिखते हैं, क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, क्या आइडेंटिटी है भला ये? दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका मतलब अब मैंने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है, यही मेरा टारगेट हो गया। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर तो सेम ही है, मतलब इसको तो छेड़ना नहीं, जो भी कुछ चेंज होगा वो इस फैक्टर में करना है। यहां तक बात समझ में आती है सभी को? दिस फर्स्ट फैक्टर इज सेम जो यहां पर है और जो प्रूफ करना है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब हम सेकंड फैक्टर को देख रहे हैं तो उसमें चेंज, और उसका चेंज भी कैसे, जरा देखते हैं। अगर मैं एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को खोलूं तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जब इसको खोलोगे तो माइनस 2yz, और इसको खोलूंगी तो माइनस 2zx, जबकि मेरे पास तो सिर्फ माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स पड़ा है, 2 नहीं है इनके साथ, और मुझे दिख रहा है बिना 2 लाए मैं इस आंसर पर नहीं पहुंच सकती। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को, 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। व्हाट आई हैव डन, इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, आई राइट इट लाइक दिस, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, डिविजन वाला 2 1/2 की फॉर्म में बाहर आ गया, ये मल्टीप्लाई वाले 2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है मैंने। देखो अगर आपके पास है 2 और अंदर ब्रैकेट में 2 टर्म्स पड़ी हैं, तो ये 2 दोनों में से किसी एक के साथ जाता है या दोनों के साथ जाता है? अगर ये दिया है और मैं इसे लिखूं तो मैं 2xy लिखूंगी या दोनों के साथ 2 ले जाकर के 4xy लिखूंगी? एक ही के साथ जाएगा या दोनों के साथ जाएगा, पहले ये बताओ मुझे। एक जना बोलो, एक जना, 6B में से कौन बताएगा, एक जना, फर्स्ट बेंच पर जो बच्चे बैठे हैं उनमें से कोई भी उठ के मुझे बता दो, क्या ये जगह मैं इस ब्रैकेट को खोलूं तो ये 2 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा या एक ही के साथ जाएगा? दोनों के साथ जाएगा। बेटा मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 8xy, मैं इसको ऐसे लिख दूं,
लिख सकते हो कि नहीं? अब अगर मैं इसको, मैंने इस एक्सप्रेशन को ये लिखा, अब आप कह रहे हो अगर ब्रैकेट के बाहर नंबर पड़ा है और अंदर की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, आप कह रहे हो दोनों के साथ जाएगा। अगर इसको मैं दोनों के साथ ले गई तो फिर तो आंसर 64xy बन गया बेटा। मुझे तो 8xy रखना था, 64 तो नहीं करना था मुझे। तो ये बात जरा ध्यान से समझ लो और याद रखना, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर पड़ा है और अंदर की टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तब ये नंबर सारी टर्म्स के साथ जाता है। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये किसी भी एक के साथ जाएगा, सबके साथ नहीं जाएगा। समझ में आई ये बात? तो मैंने क्या किया, मैंने ये दो को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस ब्रैकेट में नहीं किया, पिछली वाली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, जब मैंने इसको पिछली वाली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो क्या मैं अब यहां पर ये टर्म ऐसे ही हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस सारे की जगह एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप खोलोगे यहां से देखो, एक्स स्क्वायर की टर्म यहां से आएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म यहां से आएगी, 2x2, वाई स्क्वायर यहां से, वाई स्क्वायर यहां से 2y2, जेड स्क्वायर यहां से, जेड स्क्वायर यहां से 2z2। और आइडेंटिटी जब लगाओगे तो -2xy, -2yz और -2zx भी आ जाएंगे। तो मैंने ये रिजल्ट प्रूफ कर दिया। सिर्फ एक स्टेप करना है क्या, इस पहले आप ये आइडेंटिटी a³ + b³ + c³ - 3abc वाली आइडेंटिटी लिखेंगे, दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड, डिवाइड वाला दो बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई वाला पिछली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और ये पूरा एक्सप्रेशन अब इसके ही इक्वल है। इज इट ओके? देख लो, नोट कर लो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो मुझे बताओ। एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर प्लीज टेल मी। चलिए जी, अगर समझ में आ गया है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट कर लिया सभी ने ये? चलिए ठीक है बच्चों, ओके जी, बाय बाय। ओके जी, बाय बाय।